नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हमारी कुंडली के जितने भी योग बनते हैं वह सभी के सभी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर रखते हैं। हमेशा देखा जाता है कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से यदि आप कुंडली के मुताबिक दान पुण्य करते हैं तो वह आपकी कुंडली में वह ग्रह जो आपका कमजोर है मजबूत होने लगता है। अक्सर देखा जाता है यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो आपके सूर्य ग्रह कमजोर होने की वजह से सारी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। कभी आपके कार्य सही समय से नहीं हो पाते हैं या फिर कार्य होते तो हैं लेकिन रुक रुक कर होते हैं और कभी कभी कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो आप रविवार के दिन सूर्य उदय के समय पर आप इन चीजों का दान जरूर करें, जैसे कि लाल चंदन, लाल गुड़, लाल केसर, ये चीजें यदि आप सूर्य उदय के समय दान कर दें, लेकिन संडे के दिन ही दान करें तो आपका यह ग्रह मजबूत होने लगेगा और आपके कार्य में आने वाली बाधाएं काफी हद तक कमजोर हो जाएंगी और वह धीरे धीरे करके बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली मजबूत हो जाए और आपके सभी ग्रह सही से कार्य करें और आपको जीवन में कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए जरूरी है अपनी कुंडली को बनवाना और कुंडली को बनवाने के बाद अपने नक्षत्रों को जरूर देखना चाहिए। इसलिए देखा जाता है कि कुंडली के मुताबिक अपने जीवन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना कुंडली के ही कार्य करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली मजबूत हो जाए और आपकी कुंडली की वजह से आपके जीवन में सभी कार्य सही से करें तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को जरूर बनवाए और कुंडली बनवाने के बाद अपने कार्य को सही से करें। तो आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए इन चीजों का दान जरूर करें। दान करने से आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।